Hi guys, welcome back to my channel. So, आज का जो हमारा lecture 4 है, उसमें हम दो topics पढ़ेंगे कि how to ask questions and second is professions. So, start करने से पहले I want कि हम dialogue देखेंगे जो मैंने लिखा है यहाँ पे. इससे हमें clear हो जाएगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. So, Manuel and Anish are talking to each other. So, Manuel says, कैसे से? इसे लिखते हैं हम क्यू सेस. हम बोलते क्या है कैसे से, इसका मतलब होता है व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. सो मैनुअल अनीश से बोलता है कि ये क्या है. अनीश बोलता है दिस इज यून कादो, मीन्स दिस इज अ गिफ्ट. कादो का मतलब क्या होता है, गिफ्ट. सो अनीश सेज कि ये एक गिफ्ट है. नाउ मैनुअल आस्क्स Says yun portable. This is a portable means laptop. So आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है. लिखा तो ये एकदम इसी के तरीके से है, पर क्या लगा एंड में फुल स्टॉप की जगह क्वेश्चन मार्क. सो जब भी क्वेश्चन मार्क किसी भी सेंटेंस के आगे लगा होता है तो ये जो चीज होती है ये इंटरचेंज हो जाती है. दैट मीन्स कि मैनुअल सेज इज दिस अ लैपटॉप, लिखा क्या है ये, दिस इज अ लैपटॉप, पर अगर क्वेश्चन मार्क आ गया तो हम इसे क्या बोलेंगे, इज दिस अ लैपटॉप, बिकॉज वो पूछ रहा है मैनुअल जो है अनीश से पूछ रहा है कि क्या ये लैपटॉप है. देन अनीश रिप्लाइज नो सेस ऑन डिक्शनर, मीन्स नो दिस इज अ डिक्शनरी. डिक्शनर मीन्स डिक्शनरी. सो आई गेस आपको प्लॉट क्लियर हो गया होगा कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. नाउ मूविंग ऑन कि हम किस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस. फर्स्ट इज जब हमें किसी से व्हाट इज दिस पूछना होता है, दैट मींस नॉन लिविंग थिंग के जब पूछते हैं कि ये क्या है तो हम बोलते हैं कैसे से. इसे हम क्या लिखते हैं, क्यू यू अपोस्ट्रोफी ई एस टी स्पेस सी ई स्पेस क्यू यू ई स्पेस सी अपोस्ट्रोफी ई एस टी क्वेश्चन मार्क. मींस इसको हम क्या बोलेंगे, कैसे से. और ये हम तब पूछते हैं जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में पूछ रहे हो. कि सपोज कोई आपके लिए कुछ लेके आया, पूछ रहे हो कि ये क्या है, व्हाट इज दिस, यू विल से कैसे से दिस वन. नाउ जब आपको किसी लिविंग थिंग के रिस्पेक्टिव में पूछना है कि हु इज दिस, तब आप क्या बोलते हैं, की एस सा, की एस सा. तो इसे हम बोलते हैं कैसे से, इसे हम बोलते हैं की एस सा. सपोज आपसे कोई मिलने आया है एंड आपकी फ्रेंड से आप पूछ रहे हो कि हु इज दिस, सो यू विल से की एस सा. कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसके. फॉर एग्जाम्पल समवन इज आस्किंग कैसे से, मीन्स व्हाट इज दिस. सो द अदर वन रिप्लाइज दिस इज यून चेस, मीन्स दिस मीन्स चेयर. आपने किसी से पूछा कि ये क्या है, सो उसने रिप्लाई किया दिस इज अ चेयर. नाउ यू आस्क समवन कि यस सर, मीन्स हु इज दिस, देन ही रिप्लाइज Says your medicine. अब देखिए medicine means not medicine means doctor. So ये हमारा profession हो गया जो कि आज का हमारा second topic है. हम next page पे पढ़ते हैं अभी ये. So I guess आपको ये अच्छे से बात समझ में आ गई होगी कि जब भी हम किसी non living thing के respect में बोलते हैं तो हम use करते हैं कैसे से. And whenever you are asking about some living thing you use की ऐसा, means who is this. So now moving on. See, ये अब इसी रिस्पेक्ट में है कि yes sir means who is this. So इसके कोई भी आंसर बोल सकते हैं आप, उसका प्रोफेशन बोल सकते हैं, उसका नाम बता सकते हैं इंसान का. Like if someone asks you who is this, so you can either take their names or their profession. कि ये एक जर्नलिस्ट है, ये एक स्टूडेंट है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, वट एवर. सो इसी के बेसिस पे विल स्टार्ट नाउ प्रोफेशंस, कि प्रोफेशंस हम किस तरीके से यूज करते हैं. मैस्कुलिन फेमिनिन एंड इंग्लिश मीन्स के मीनिंग. सो इसमें हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, ये हम करते जाएंगे तो आपको बताते जाऊंगी. इसमें हमें कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट. सो नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वन, ले कॉमर्सेंट मीन्स शॉपकीपर. तो जब मैस्कुलिन में लेंगे इसे तो ल कॉमर्सेंट, और इसके एंड में हमने कुछ नहीं लगाया. जब हमें इसे फेमिनिन करना है तो हमने एंड में बस एक ई लगा दिया. So that is how we use it in feminine and masculine. Similarly,
जैसे इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रीसियन. सो गाइज, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सी आई ई एन से एंड हो रहा है ये वर्ड. सो जो भी प्रोफेशन सी आई ई एन से एंड होते हैं उनका जब हम फेमिनिन बनाते हैं तो ये हो जाता है सी आई ई डबल एन ई, सी आई ई डबल एन ई. तो ये जो तीनों हैं हमारे, इलेक्ट्रीसियन, मैकेनिसियन एंड म्यूजिशियन, मीन्स इलेक्ट्रिशियन, मैकेनिक एंड म्यूजिशियन. सो ये एन किससे होते हैं? सी आई ई एन से. सो इनका जो हम फेमिनिन बनाएंगे वो सी आई ई डबल एन ई बनाते हैं. सो गाइस, हम एक जगह से लिख लेते हैं कि जो भी सी आई ई एन से एंड करते हैं हम उन्हें फेमिनिन में सी आई ई डबल एन ई लगा देते हैं. एक और चीज़, जो भी टी ई यू आर से एंड करते हैं हमारे, उनके आगे हम जब चेंज करते हैं उन्हें फेमिनिन में तो हम टी आर आई सी ई कर देते हैं उसे फेमिनिन के लिए. अगर मैस्कुलिन में एंडिंग इससे हो रही है तो फेमिनिन की एंडिंग उसमें इससे करेंगे. पर इसका एक एक्सेप्शन है हमारा, दैट इज चैंत्यूर. चैंत्यूर के एंड में देखिएगा इस टी ई यू आर आ रहा है, पर हम उसे क्या करते हैं, किससे करते हैं, टी ई यू एस ई. हम ये नहीं लगाते टी आर आई सी ई, नहीं लगाते हम लगाते हैं टी ई यू एस ई. सो ये एक एक्सेप्शन है जो कि हमें याद रखना है. और एक और चीज, जिसकी भी एंडिंग ई यू आर से होती है, नॉट टी ई यू आर, ई यू आर जिससे भी इसकी एंडिंग होती है वो चेंज हो जाता है ई यू एस ई में. फॉर एग्जाम्पल वेंडर, हम वेंडर को क्या बोलते हैं फ्रेंच में, वी ई एन डी ई यू आर. सो इसको जब हम फेमिनिन में चेंज करेंगे वी विल राइट वी ई एन डी ई यू एस ई. अभी मैंने साइड में आपको क्वेश्चन दिए हैं उसमें ये चीज़ें यूज हो रही हैं, आपको कोई डाउट्स हैं तो आप पूछें मुझसे कमेंट सेक्शन में. सो नाउ मूविंग ऑन, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था म्यूजिशियन तक. नाउ इल एक्ट्यूर, अब यहाँ पे टी ई यू आर आ रहा है तो हमने क्या टिप बनाई थी, जो भी टी ई यू आर से एंड करते हैं मैस्कुलिन में उनका फेमिनिन टी आर आई सी ई हो जाता है. सो फेमिनिन में जब हमें एक्ट्रेस बोलना है, मतलब एक्टर का फेमिनिन होता है इंग्लिश में एक्ट्रेस, सो उसको हम क्या करेंगे, एल अपॉस्ट्रोफी ए सी टी आर आई सी ई. एंड गाइस आप एक चीज़ नोटिस करिए, जो भी वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं ए से, आई मीन वॉवल से, उनके आगे का जो ला या ले जो भी है उनमें से ए या ई हटके एक अपॉस्ट्रोफी लग जा रहा है. सो आपको याद होगा मैंने पिछली वीडियो में जब कराया था कि दो वॉवल्स कभी भी साथ नहीं आते, उसी तरीके से यहाँ पे किया है एक्ट्राइस में एंड इलेक्ट्रीसियन. नाउ चैंत्यूर, मैंने आपको बताया कि चैंत्यूर में टी ई यू आर आ रहा है एंड उस हिसाब से इसे जो उसका फेमिनिन है उसको टी आर आई सी होना चाहिए था, पर ये हमारा एक एक्सेप्शन है फ्रेंच में एंड इसमें जो टी ई यू आर के बावजूद भी हम इसकी एंडिंग टी ई यू एस ई कर जाते हैं, दैट इज जो ई यू आर से एंड होते हैं. चैंत्यूर मीन्स अ सिंगर. नाउ ले डांस्यो मीन्स डांसर, अब ये ई यू आर से एंड कर रहा है, डी ए एन एस ई यू आर. सो हमने क्या करेंगे इसके साथ, ला डी ए एन एस ई यू एस ई, दैट मीन्स डांसर. नाउ ले बुलोंजर मतलब बेकर, बी ओ यू एल ए एन जी ई आर. सो इसको जब हमें फेमिनिन करना है दैट इज ला बुलोंजर, इसके एंड में हमने एक ई लगा दिया. गाइस सिमिलरली हमारा क्यूजिनियर एंड इन्फर्मियर, क्यूजिनियर मीन्स कुक, इन्फर्मियर मीन्स नर्स, इसके एंड में भी हम बस एक ई लगा देंगे और ला ले वो उसका ध्यान रखना है हमें कि मैस्कुलिन के साथ ले लगता है और फेमिनिन के साथ ला लगता है, और अगर वोवल है तो एल अपॉस्ट्रोफी हो जाएगा चाहे मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो. और नेक्स्ट वन ल जर्नलिस्ट, अब मैंने इस पे स्टार गाइस इसलिए लगा रखे हैं बिकॉज ये थोड़े से डिफरेंट हैं, ये जो है मैस्कुलिन में जैसे रहते हैं वैसे ही फेमिनिन में रहते हैं, इनका कोई अलग से नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल ल जर्नलिस्ट विच मीन्स जर्नलिस्ट, ये नाम से हमें समझ में आ रहा है आराम से, और हम मैस्कुलिन में इसे ल जर्नलिस्ट लिखते हैं एंड फेमिनिन में ला जर्नलिस्ट, स्पेलिंग वही रहती है बस ले और ला का डिफरेंस होता है. सिमिलरली पायलट में भी एंड मेडिसिन एंड सेक्रेटेयर में भी, सेक्रेटेयर मीन्स सेक्रेटरी, ले और ला का डिफरेंस है. मेडिसिन मैंने पीछे बताया था आपको डॉक्टर होता है, ले और ला का डिफरेंस है इसमें भी, एंड पायलट मीन्स पायलट. सो यहाँ पे हमारी आज की वीडियो ख़त्म हो जाती है, बट आपके लिए मेरे पास एक होमवर्क है, दैट इज आपको
मेते और फेमिनिन मीन्स पुट इन फेमिनिन. आपको इन सेंटेंसेस को फेमिनिन में चेंज करना है. सो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए. मैंने जो थोड़े डिफरेंट थे जो हमने नहीं करे हैं इधर, दैट इज इंस्टिट्यूट मीन्स प्राइमरी स्कूल टीचर, डायरेक्टिव मीन्स डायरेक्टर, एडवोकेट मीन्स एडवोकेट. सो गाइस यहाँ पे जो मैंने आपको दे रखे हैं ये TER, ये सब अपने जो हम मैंने पीछे आपको अभी अपने टिप्स बताए थे उन्हीं के बेसिस पर चलेंगे. ये सब ये हो गया. देन एडवोकेट में सिंपल ई आ जाएगा एंड वेन डू यू न्यू, यू ई यू आर से एंडिंग है, दैट मीन्स ESE. सो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी फेमिनिन में चेंज करेंगे तो ई आ जाता है एंड में. सो इस चीज़ के आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ में डिस्कस करेंगे. टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, घर पे रहिए एंड कीप वॉचिंग फ्रेंच मंत्रा. एंड इफ यू फाइंड माई वीडियोज हेल्पफुल, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.